अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू फूड खाजा फूड फैमिली। फूड खाजा देखने वालों को मेरा सलाम और अदाब, क्योंकि आज फूड खाजा में आपके लिए तैयार हो रहे हैं बहुत ही मज़ेदार ज़ाफ़रानी टिक्के की रेसिपी। बहुत ही डिफरेंट तरीके से आज हम इसको तैयार करेंगे और जब आप इसको खाएंगे तो आप कहेंगे वाह क्या बात है। अब हम अल्लाह का नाम लेके आज की रेसिपी को शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तैयार करने के लिए आपने हाफ कप दही को लेना है और इसमें आपने 3 टेबलस्पून लाल मिर्चों को शामिल कर देना है। इस तरीके से आपने इसमें लाल मिर्चें शामिल कर देनी है। 1 टेबलस्पून आपने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देना है। इस तरीके से आपने शामिल कर देना है। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च को शामिल कर देना है। 1 टीस्पून इसमें हल्दी को शामिल कर देंगे। हसबे ज़रूरत आपने इसमें नमक को शामिल कर देना है। 1 चुटकी इसमें जर्दा रंग शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस को शामिल कर देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ज़ाफ़रान को शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून आपने ज़ाफ़रान लेनी है और उसको इसमें शामिल कर देना। अब इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आपने 8 पीस टिक्कों के लेने हैं। इसमें आपने 1/4 कप ऑयल को शामिल कर देना है। आपने इसमें 2 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर देना है इस तरह से, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब जो मसाला हमने तैयार किया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने मसाला शामिल कर देना है और अच्छे तरीके से टिक्कों को मिक्स कर लेना है ताकि टिक्कों को अच्छे तरीके से मसाला लग जाए। ये आपने अच्छे तरीके से मसाला लगा लेना है टिक्कों को। ये देखिए इस तरह से आपने टिक्कों को अच्छे तरीके से मसाला लगा के मिक्स कर लेना है। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब आपने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है ताकि जो मसाला है वो अच्छे तरीके से इसमें रस जाए। फिर हम आपको बताएंगे कि आपने करना क्या है। ये देखें इस तरह से आपने टिक्के लेने हैं, उनको स्टीम होने के लिए रख देना है इस तरह से, जिस तरह से मैंने रखा। आपने एक पतीला लेना है, इसमें आपने 1 गिलास पानी को शामिल करना है और ये देखें छन्नी रखनी है और उसके ऊपर आपने टिक्के रख देने हैं। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो इस तरीके से भी आप घर में इसको स्टीम कर सकते हैं। अब आपने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 1/2 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे तरीके से स्टीम हो जाए, और लो फ्लेम में आपने इनको कवर करके रखना है। ये देखें इस तरह से आपने टिक्कों को स्टीम कर लेना है। फुल डन नहीं करना, हाफ डन आपने टिक्कों को स्टीम करना है। अब इसको निकाल लेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि आपने करना क्या। ये देखें इस तरह से आपने एक तवा लेना है, इसके ऊपर आपने 1 चम्मच घी को शामिल करना है, साथ ही आपने टिक्के रख देने हैं तवे के ऊपर इस तरह से। जितने टिक्के हमने स्टीम किया वो सारे आपने रख देने हैं। ये देखें 5 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है इस तरीके से, तमाम टिक्कों की साइड चेंज कर देनी है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून मक्खन को शामिल कर देंगे। ये देखें दूसरी तरफ आपने लहसुन का पानी निकालना है। सिंपल लहसुन को पानी में भिगो के आपने इसको बॉईल कर लेना और लहसुन का पानी टिक्कों में शामिल कर देना। ये देखिए इस तरह से आपने तैयार करना है। साथ साथ आपने लहसुन का पानी शामिल कर देना, तकरीबन 1/2 कप आपने लहसुन का पानी इसमें शामिल करना। इस तरीके से आपने इसको तैयार करना है। देखिए कितने खूबसूरत तैयार हो रहे हैं। इस तरह से आपने इनको तैयार करना है। आप इनको साइड पे लगा देना, तमाम टिक्कों को एक साइड पे आपने लगा देना इस तरह से। अब आपने 1/2 कप घी को शामिल कर देना तवे के ऊपर, साथ ही हम इसमें 2 अदद चौ प्याज को शामिल कर देंगे, साथ ही हम प्याज को सोते कर देंगे। ये देखें इस तरह से जब प्याज सोते हो जाएगा, अब हम इसमें 3 अदद टमाटरों को शामिल कर देंगे। गोल शेप में आपने इनकी कटिंग करनी है इस तरह से। अब हम इसमें हरी मिर्चों की चटनी को शामिल कर देंगे। धनिया पुदीना हरी मिर्चों की चटनी आपने तैयार करनी है, उसको इसमें शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून। ये देखिए इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना। अब तमाम टिक्कों को दरमियान में कर देना इस तरह से, आपने तमाम टिक्के दरमियान में कर देना। अब हम दोबारा इसमें लहसुन के पानी को शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून मक्खन को शामिल कर देंगे।
ये देखिए इस तरह से आपने बार बार इसकी साइड चेंज करनी है। इस तरह से आपने इसको तैयार करना है। अब हम दोबारा इसके ऊपर टमाटरों को शामिल करेंगे इस तरह से। हाफ हमने पहले कर दिए थे, हाफ हमने अब किए। 1 टेबल स्पून हम हरी चटनी को फिर शामिल करेंगे इसमें। अब हम दोबारा इसमें लहसुन का पानी शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। फिर हम इसमें मक्खन को शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। ये देखें इस तरह से आपने तैयार करने, देखिए कितने मज़े के टेस्टी यम्मी नज़र आ रहे हैं और इतने मज़े के तैयार हुए हैं। आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है, देखिए कितने मज़े के और टेस्टी तैयार हुए हैं। देखिए आपको उसकी लुक से ही पता चल रहा होगा कि कितने मज़े के और टेस्टी हैं। इस तरह से आपने इसको घर में तैयार करना है। अब हमारे टिक्के बिल्कुल तैयार हैं, अब हम इनको सर्व करेंगे। ये देखें इस तरह से आपने टिक्कों को घर में तैयार करना है। ये देखें कितने मज़े के और टेस्टी तैयार हुए। इस तरीके से आपने इनको घर में तैयार करना है, जैसे हमने तरीका बताया बिल्कुल ऐसे तरीके से आपने इसको घर तैयार करना है। बहुत मज़े के टेस्टी तैयार होते हैं। देखें साथ ही आपने इसकी सॉस के साथ इसको सर्व करना है। ये देखें कलर देखें टिक्कों का, कितना मज़े का और टेस्टी है। देखें इस तरह से आपने इसको घर में तैयार करना है और हमें ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आपको हमारी टिक्कों की रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट टाइम हम और मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।